हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता है कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं माइनस आई क्रिएट करते हैं। अब आपको प्लस आई और माइनस आई का ये चार्ट जो है ये आपको आना चाहिए, इस चार्ट आपको याद रखना चाहिए कि किसका पावर किससे ज्यादा है। सी एच टू माइनस इज ग्रेटर देन एन एच माइनस ओ माइनस देन सी डबल ओ माइनस देन टर्सरी ब्यूटाइल एंड सो ऑन, इस तरह से आपको याद आना चाहिए। इसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? ये एक्सप्लेन कर सकता है एसिडिक करेक्टर, इट कैन एक्सप्लेन बेसिक करेक्टर, इट कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इट कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन and it can explain the reactivity of the compound. ये पांच इसके important effect है। तो acidic character की बात करते हैं। सबसे पहले acidic character जो है बहुत important है। आपको पता है कि एग्जाम में acidic character, basic character का question जरूर आता है। तो सबसे पहले important ये समझना है कि what do you mean by acidic character। जो H प्लस रिलीज करे एसिडिक है, जो H प्लस जल्दी रिलीज करे ज्यादा एसिडिक है। और इसका एक फिजिकल मेजरमेंट है, कह रहा है कि K वैल्यू जिसका ज्यादा है उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है और PK वैल्यू ये जो है जिसका ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर कम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि मैचिंग आ जाएगा कि दोनों तरफ PK वैल्यू को मैच करो। अब कह रहा है कि दो एसिड देख करके हम कैसे पता करेंगे किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। इसके लिए क्या फंडा है? मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये सारी बातें जो बता रहे हैं आपको आना चाहिए। आप इसको अगर ओवरलुक करेंगे तो आपसे नहीं एक्सप्लेन होगा ये। सिमिलरली वीकर द कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्गर द एसिड। सपोज वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में और एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो दिस इज एसिटिक एसिड। दोनों H प्लस रिलीज कर रहा है, दोनों का कंजुगेट बेस सामने है। अब कह रहा है कंजुगेट बेस दिस इज द फॉर्मेट आयन, दिस इज द एसिटेट आयन। अब कह रहा है कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? आपको पता है दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल की बात कर रहा है कि सी एच थ्री का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है। तो किसी एनायन को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, अगर कैटायन को देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी आयन जो है न्यूट्रल होना चाहता है। अब यहां पर फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसिटेट आयन, देयरफॉर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अब इससे क्या पता लगा कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? डिक्रीजेज एसिडिक करेक्टर एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर। कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी का भी। आपको ऑर्डर सही से याद होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन दे देगा, कहीं नाइट्रो लगा देगा, कहीं साइनाइड लगा देगा, कहीं एफ लगा देगा, कहीं
वार लगा देगा, कहेगा इसका एसिडिक करेक्टर बनाइए, तो आपको अगर ये आएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। जो सेकंड है मानकर चलिए इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पहले देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, तो जनरली बच्चों को पता होता है कि कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी क्या होता है, 1-3 होता है, ये इसी से कनेक्टेड है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक याद करने की चीज है, नहीं याद करना बिल्कुल, कनेक्ट करना है आपको, प्रॉपरली कनेक्ट करना है, प्रॉपरली सिक्वेंसिंग करनी, यही ऑर्गेनिक की ब्यूटी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि CH3-, दिस इज CH3 CH2-, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, क्योंकि CH3- क्या CH3 इलेक्ट्रॉन देगा और एनायन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाएगा तो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको डीस्टेबलाइज। ये फंडा आपको कहीं भी काम आएगा, इससे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिक करेक्टर सब आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी से कनेक्ट कर देना है, उससे लिए अलग से कुछ नहीं याद करना है। कार्बोकैटायन का मैंने पहले बता दिया कि कोई भी स्पीसीज जो है न्यूट्रल होना चाह रहा है, तो कार्बोकैटायन में जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सबको पता है, बच्चों को जनरली पता रहता है कि ये 3-1 होता है, तो 3-1 होने का कारण यही है। आपसे पूछ सकता है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसके स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट करता है और हाइपरकंजुगेशन करता है। बेसिक करेक्टर इस लेक्चर में नहीं कवर हो पाएगा, इसलिए बेसिक करेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें और इफेक्ट को हमको जोड़ना पड़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट एंड सोल्वेशन इफेक्ट, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा किसी को भी, क्योंकि सबको पता है मार्कोनी का रूल क्या है। जैसे प्रोपीन में अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, सबको पता है कि Cl कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम, मार्कोनी ने अपने ही बात कहा था।